सभी को राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो आज ब्लॉगिंग करेंगे एक खेत की, जहाँ किस तरह हमारे गांव में खेती बाड़ी करते हैं और क्या क्या होता है, आप सभी को देखने को मिलेगा। अभी मैं आया हूँ खेत में फावड़ा लेके, तो अभी यहाँ पर करते हैं खेती। और आज हम यहाँ पर बो रहे हैं घौत की दाल, यानी घौत आप सभी ने सुना होगा, घौत की दाल जो बाहर के हैं। और तो आज हम जो है इस खेत में घौत की दाल बोएंगे और करेंगे यहाँ की, देखते हैं क्या कैसे कैसे होता है। आधा मैंने खोद दिया है, अभी आधा और खोदना है और इसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको देखते रहें ब्लॉग। अभी इतना खोद दिया है और वो जहाँ पर वो चिड़िया बैठी है वहाँ तक खोदना है, पूरा यहाँ तक। और साथ में ये लगी पड़ी है मिसेज हमारी, खेती करना आता नहीं है इसको, पता नहीं कैसे कर रही है ये काम की बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ से काम करती है। और अभी बहुत खुदाई करनी है, देखना है अभी आगे, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी अब रोपाई का सीज़न चलेगा, लोग इसके बाद रोपाई भी करेंगे और आगे वहाँ पर जो है वो बीज, जो धान की जो वो होती है बीज, वहाँ पर वो हो रहा है, यहाँ उसको बिनौड़ बोलते हैं, बिनौड़। तो इसमें से बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो निकालेंगे और जगह जगह खेतों में लेके जाएंगे। ये खेत जैसे देख रहे हैं आप, ये है फावड़ा, तो खेतों को पूरा खोदा जाता है ऐसे ही। अभी बहुत खोदने हैं आगे तक, हल से भी हो जाता लेकिन ये थोड़ा सा है। इसमें घौत दाल भी जो है वो बो दी गई है और इस तरह यहाँ तगड़ी खेती होती है। अभी खेत जो है थकान बहुत जल्दी हो जाती है, खोदने में आदि नहीं है इतने, तो अभी बहुत थक रहे हैं हम लोग। अभी खुदाई खुदाई करते करते कब लगभग आधा घंटा हो गया है और थोड़ा बहुत और रह गया है। अभी जितना खोदा है उतना ही और खोदना है, हालत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी इतना काम नहीं करा है, पहली बार शायद कर रहा हूँ इतना काम, तो करना पड़ता है। घर में है तो लॉकडाउन लगा है और इस टाइम पर हर कोई काम करता ही है, जितने भी गाँव में लड़के आए हैं। तो आज थोड़ी पिलाई है, बहुत ज़्यादा थकान है, तो अभी और कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा बहुत और रह गया है, जितना अभी खोद दिया उतना ही रह गया है। और फिर इसके बाद चलते हैं फिर सीधे घर को।